हाय एवरीवन, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के साथ ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बैंगन आलू मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये बैंगन आलू की सब्ज़ी सभी के घरों में बनाई जाती है, लेकिन आप लोग एक बार मेरे मेथड से बनाइएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर लंच में या डिनर में कभी भी इसको बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए ये बैंगन आलू की रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ये दो लंबे वाले बैंगन ले लिए हैं, अगर आपके पास गोल वाले हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और आलू हमने तीन ले लिया है मीडियम साइज़ के, और दो प्याज ले लेना है मीडियम साइज़ के, और दो टमाटर ले लिया है, और तीन से चार हरी मिर्च ले लिया। और बैंगन को हमने धुल के इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। हमने यहाँ पे ये थोड़े बड़े साइज़ रखे हैं, और इसी तरह से हमने आलू के भी लंबे स्लाइस रखे हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं। अगर बहुत छोटे रख देते हैं तो वह सब्ज़ी फूट जाती है। तो अब हम प्याज और टमाटर को भी बारीक कट कर लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले मसाले का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक बोल ले लिया है। अब चार बड़े चम्मच ताज़ा दही ले लेना है। ध्यान रखना है दही खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना सब्ज़ी भी आपकी खट्टी बनती है। अब दही को अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको फेंट लिया है। अब हम यहाँ पे ये थोड़े से पाउडर मसाले डाल देते हैं, जैसे आधा बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और दो बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर, और आधा बड़ा चम्मच भर के ये भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा बड़ा चम्मच भर के हमें गर्म मसाला पाउडर ले लेना है, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है दही के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं, और अब एक कढ़ाई को गरम कर लेना है। तो अब ये कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई है, तो हमने तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। अब ये तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है, तो हम सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो आलू को हम 5 से 6 मिनट तक फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। और अब आप देख सकते हैं आलू पे अच्छा सा कलर आने लगा है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी देर तिरछा रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इसी तेल को फिर से गर्म करेंगे, और फुल फ्लेम पर ये बैंगन भी डाल के फ्राई कर लेना है। तो बैंगन को भी हमें 4 से 5 मिनट तक ही फ्राई करना है, और लगातार चलाते रहना है। तो अब ये देखिए बैंगन का भी कलर चेंज हो गया है, तो इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। अब उसी तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है, और 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है, आधा बड़ा चम्मच भर के ये जीरा डाल दिया है, और अब इसको 1 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर भून लेना है। अब हम यहाँ पर ये 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको 2 मिनट तक हमें पका लेना है, ताकि इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब हम यहाँ पे जो प्याज हमने कट करके रखा था, सारा प्याज डाल देना है, और अब प्याज को हम 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो अब ये प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब जो हमने यहाँ पे ये मसाला का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देना है। अब उसी में पानी हमने आधा कप ले लिया था, पानी डाल देना है। अब इसको फुल फ्लेम पर हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जिसमें ये मसाला है अच्छे से पक जाए। और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है, इस पे तेल भी अच्छे से आ गया है। तो एक बार हमने इसको चला दिया है, और अब जो टमाटर हमने कट करके रखे थे वो डाल देना है। अब टमाटर को भी हमें मसाले के साथ 2 मिनट तक पका लेना है, तो लगातार चलाते रहिए। अब टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब जो हमने ये आलू और बैंगन को फ्राई करके रखा था वो डाल देना है। अब इसको अच्छे से हमें चम्मच से चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो हमने ये एक कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है, चला देना है इसको। और अब इसका ढक्कन लगा कर हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए। आलू बैंगन को हम फ्राई कर चुके हैं तो ये हाफ कुक तो पहले से ही हो चुकी है, तो ढक्कन लगा दिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट तक ही पकाएंगे। और अब 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। आप चेक कर लीजिए कि सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हुई है कि नहीं। और हमने इसको अच्छे से चेक कर लिया है, ये पक चुकी है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर और पका लीजिए, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा फूटी हुई सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, हमने इसको 2 मिनट तक और पका लिया था। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये सब्ज़ी हमारी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइए या फिर पराठे के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।